सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है हम नवंबर का बनाए हैं। नवंबर का लोकतंत्र का पहला अध्याय जो है कि जो है हम लोग को पढ़ना है। उसमें हमने देखा है पिछले वीडियोज में कि लोकतंत्र के बारे में आपको हमने समझाया है, लोकतंत्र के बारे में हमने आपको बताया है कि लोकतंत्र किसे कहते हैं, ठीक ना। तो लोकतंत्र में हमने बताया है कि ऐसी शासन व्यवस्था जो जनता के द्वारा जनता पर संचालित होती है वह लोकतंत्र कहलाती है। बच्चों, एक बात और आप लोगों से बता देना चाहते हैं, समय अनुसार सारे चीज़ों का परिभाषा में परिवर्तन आता है, लेकिन जो है अभी के डेट में, अभी के समय में लोकतंत्र का यह सटीक परिभाषा है। आने वाले समय में सारे चीज़ों का संरचना में परिवर्तन होता है और लोकतंत्र की परिभाषा में भी इसके समयानुसार परिवर्तन होना सुनिश्चित है। तो बच्चों, आज का जो मेरा टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे, सैन्य तख्ता पलट। तो सैन्य तख्ता पलट जो हमने आपके सामने लिखा है, इसमें आप लोग को बता देना चाहते हैं कि मान लीजिए कोई अयोग्य शासक है, उसके द्वारा जनता जो है अयोग्य शासक के द्वारा जो शासन कार्य किए जाते हैं वह अयोग्य है, वो जो जनता के खिलाफ है, वह सिस्टम के खिलाफ है, वह जो है भोग विलासिता का जीवन यापन करता हो, जनता पर जो है निरंकुश शासन व्यवस्था को लागू करता हो, शासन व्यवस्था उसकी चरमरा गई हो, कमज़ोर हो गई हो, उस अवस्था में सेना जो है शासन जो है शासन की बागडोर अपने हाथों में ले लेती है, सरकार को जो है हटा देती है, तो उसे सैन्य तख्ता पलट कहा जाता है, ठीक है बच्चों। चीनी फिलास फिनासे ये सब जो है इसके उदाहरण है, जो कि आप लोग किताब के माध्यम से आप लोग को उसकी जानकारी रीडिंग देने के बाद होगी। दूसरा है पोलैंड में लोकतंत्र। पोलैंड में लोकतंत्र की व्यवस्था जो है आपको हम यहाँ पे कहानी के तौर पे बताने जाएंगे। ये क्वेश्चन आप लोग को बार बार एग्जाम्स में पूछता है कि पोलैंड में सैन्य तख्ता पलट, पोलैंड में तख्ता पलट के बारे में बताए, ठीक ना। तो सैन्य नहीं बल्कि तख्ता पलट के बारे में बताए। तो पोलैंड की कहानी है, पोलैंड आपको नाम सुने हैं, पोलैंड के एक कारखाना है, कारखाना का नाम है टेनिंग, टेनिंग कारखाना है जहाँ पे जहाज का निर्माण होता था। तो उस कारखाने में एक समय की बात है कि एक महिला क्रेन कर्मचारी को वहाँ से बेवजह छोटी सी भूल के वजह से, वह भूल कोई बड़ी नहीं थी बल्कि छोटी सी भूल थी, उस भूल की वजह से उसे काम से निष्कासित कर दिया गया। उस महिला के छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत ही वह रोई गिलगिलाई, लेकिन उसके बावजूद भी उसे काम पर नहीं रखा गया। जो है पूरे मजदूर वर्ग के जो भी लोग थे वह भी बहुत प्रयास किए, लेकिन उसे काम से निष्कासित कर दिया गया। चूँकि वहाँ के जो राजा से शासक थे वह निरंकुश शासन व्यवस्था के अधीन हो गए थे, वह जो किसी पर कोई व्यवस्था व्यवस्थापक रूप से कोई भी कार्य नहीं हो पाता था, और सारे चीज़ का जो है नौकरशाही के रूप में चल दिया था। तो उसके बाद सारे मजदूर जो थे उस महिला के खिलाफ जो व्यवहार हुआ था कारखाने में, वह जो है सारे लोग खिलाफ हो गए। उन्होंने एक संगठन बनाया, उस संगठन में लेक वालेसा नामक जो कि उसी कारखाने में काम करने वाला एक व्यक्ति था, लेकिन वह छोटे पद पर कार्य करता था, मजदूर वर्ग के रूप में कार्य करता था, लेकिन वह थोड़ा चतुर दिमाग का था, इसलिए उसे जो है उस संगठन का नेता चुन लिया गया। उसने 21 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के समक्ष अपने बातों को रखा, और उसमें जो है अपने महिला के कर्मचारी को भी रखने की बात कही, लेकिन उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद उसने अपने उस आंदोलन को तीव्र किया और 21 सूत्री मांगों को लेकर उसने जिला स्तरीय से राज्य स्तरीय तक का जो है राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में मजदूर वर्ग को लोगों का जो है समर्थन प्राप्त हुआ, और यही लेख वाले सा सरकार का जो है तख्ता पलट करने में कामयाब हो, ठीक ना बच्चों। तो एक उस देश जो पोलैंड के लोग जो निवासी थे वो लोग जो है उस व्यक्ति में अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन देखा,
उसने देखा कि यह लोकप्रियता इसकी बढ़ती बढ़ रही है, यह जो है देश के लिए कुछ ना कुछ आवश्यक रूप से करेगा और हमारे देश को जो है इस जो है चरमराई की व्यवस्था से आगे निकाल सकता है, निकाल पाएगा। ठीक ना बच्चों, इसलिए उन्होंने लेख बालेश्वर को जो है इलेक्शन में खड़ा किया, उसने प्रधानमंत्री बना, प्रधानमंत्री के बाद उसने राष्ट्रपति का पद स्थापित। तो बच्चों इस तरह से एक छोटा सा व्यक्ति पोलैंड का जो है किस प्रकार बात को संभाल लिया आप देख ही रहे हैं, आपको समझाए भी हैं। तो एक छोटी सी घटना मानव के जीवन में इतनी बड़ी जो है बदलाव ला देता है, आप लोगों को इसका अनुभव भी नहीं हो सकता। इसलिए किताब के माध्यम से जो भी आप लोगों को बात सच्ची घटनाएँ बताई गई हैं उनको जो है आप लोगों को घर पर दिमाग को शांत करके पढ़ना चाहिए और उसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ठीक ना बच्चों, तो आज जो है हम लोग लोकतंत्र में यही जाने हैं कि पोलैंड में जो लेख बालेसा का जो किस तरह से तख्ता पलट किया गया उसके बारे में हमने जाना है, उसे किताब के माध्यम से भी और विस्तृत रूप से जानने का और समझने का प्रयास हम लोग घर पर करेंगे। ठीक ना बच्चों, तो आप लोग जो है आज सेल तख्ता पलट और पोलैंड में लोकतंत्र के बारे में किताब के माध्यम से इस दो ही टॉपिक पर मतलब पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक ना बच्चों, और अगले वीडियो में हम लोग आगे की तरफ सफर करेंगे। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत।